नंबर 11, अकली दलील से बात समझाना। कभी कभी थोड़ी अकल की बात भी करनी पड़ती है बकदर ज़रूरत, तो अकली दलायल के ज़रिए से समझाना। अगर ये मुमकिन है तो ये क्यों मुमकिन नहीं, इस तरह की बातें समझ में आती। जैसे हम कहें इंसान सोता ना, हाँ, नींद में मालूम पड़ता क्या हो रहा, नहीं, ऐसा होता ना जैसे मर गया, हाँ, फिर वापस वो उठेगा कि नहीं उठेगा, हाँ, जैसे नींद से हम सोते हैं, नींद में सोए हुए होते हैं, फिर नींद से जागते भी हैं, बस। जब अल्लाह ऐसा कर सकता है तो मरने के बाद दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकता? तो हमने क्या किया, एनालॉजी जिसको आप कहते हैं, हमने एक चीज से दूसरी चीज समझाई, और ये मुमकिन है तो ये भी मुमकिन है अकलन। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं कि देखो आसमान से बारिश बरसी ना, जमीन सूखी थी कि नहीं, हाँ, बीज अंदर मुर्दा पड़ा हुआ था ना, चुपचाप बैठा हुआ था अंदर खामोश, हाँ, तो जब बारिश बरसी तो क्या हुआ, फसल निकली ना, हाँ। ऐसी आखिरत में भी अल्लाह ताला मुर्दा जमीन से इंसानों को निकाल सकता है कब्रों से। जब ऐसा हो सकता तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? तो अकली दलील के जरिए समझाना। अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अन्न रजुलन काला या नबी अल्लाह, एक शख्स ने कहा अल्लाह के नबी, कैफ युहशरुल काफिर अला वजहिही, कयामत के दिन काफिर मुंह के बल चलेगा, उसको हशर में जमा किया जाएगा, ऐसा कैसा? قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ जिसने दुनिया में उसको पांव पे चलने वाला बनाया, क्या कयामत के दिन मुंह के बल चलने वाला नहीं बना सकता? भाई पांव के बल क्यों चलते हैं, हम हाथ के बल चलते नहीं, किस पांव पे चलते कि नहीं, हाथ पे चलते कि पांव पे, हम लोग सभी के सब पांव पे चलते हैं, किसने बनाया ऐसा हमको? अल्लाह ने, चाहता तो हाथ पे भी चलाता, लेकिन अल्लाह ने पांव पे चलने वाला बनाया, तो उसने ऐसा बनाया, इसलिए ऐसे कयामत के दिन वैसा बनाएगा उनको, तो वैसे चलेंगे। ये डिसाइड कौन किया पांव पे चलना चाहिए? सोचिए, सारी मखलूक पांव पे, इंसान सारे पांव पे चलते हैं, तो अल्लाह ने ऐसा बनाया, तो जिसने ऐसा किया वो वैसा भी कर सकता है। जिसने हाथ के पांव के बल चलाया वो मुंह के बल भी घसीट सकता है, उसके बल चला सकता है। तो قال قتادة، قتادة تابعي اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد کہتے تھے بلا وعزت ربنا، بلا شبہ یقینا اللہ ایسا کرے گا اور اللہ قادر ہے، ہمارے رب کی عزت کی قسم یہ ممکن ہے۔ تو بخاری نے اس کو روایت کیا اور اسی طرح سے مسلم نے بھی۔